आगरा कैंट सुल्तानपुरा के पटाखा विक्रेताओं को एक पटाखे ने कर्जदार बना दिया है। पीड़ित विक्रेताओं का सरकार मुआवजा की उम्मीद है। शनिवार की शाम को छोटी दीपावली पर सभी दुकानदार हंसी खुशी अपने पटाखों को बेचने में लगे हुए थे। एक पटाखे ने सभी दुकानदारों को कंगाल बना दिया, तबाह बना दिया। आप देख सकते हैं तबाही का ये वो मंजर है, कंगाली का ये वो मंजर है। एक पटाखे ने इस हालात में सभी दुकानदारों को पहुंचा दिया। लाखों रुपए का नुकसान पटाखों का हुआ है और इसके अलावा तमाम सारे दुपहिया वाहन भी आग की भेंट चढ़ गए थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके भी दहल गए थे। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे थे। तबाही का मंजर देखकर दुकानदार सदमे में आ गए हैं। दुकानदार इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं आखिर इस तबाही से कैसे उबर पाएंगे। काफ़ी नुकसान दुकानदारों का हुआ है और सभी दुकानदार बेहद सदमे में है। कितना नुकसान आप लोगों का हुआ है? करीब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है हमारा। वो हमारे तरीके से इंतजाम किया था आप लोगों ने? ब्याज पे लेके इंतजाम करा था, पटाखे वटाखे लेके आए थे। कितना नुकसान आप लोगों का? हमारा भी 2-2.5 लाख का नुकसान हुआ है। तो पैसे लाए थे तो कहीं से मांग कर लाए थे पैसे। अब ये कि हम लोगों को ये कि मतलब कुछ हम लोगों को मुआवजा कुछ दिया जाए कम से कम, हम लोगों को कुछ मरलम के नाम पे कुछ तो मुआवजा दिया जाए कम से कम, क्योंकि हम लोग सब गवर्नमेंट हमसे बोल लेती है, डीएम हमसे लाइसेंस फीस बोल लेता है, शुल्क लेता है, तो इसकी लिहाजा पर हमें कुछ सुरक्षा देनी चाहिए डीएम को। मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी, कोई बाहर की गाड़ी नहीं रखी, कुछ नहीं रखा। तो चक्कर में हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग गरीब जितने लोग हैं तो वो डीएम कम से कम कुछ ना कुछ मुआवजा देने की मांग करते हैं। जरा पीड़ित पटाखा विक्रेता चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद के मुआवजे का मरहम उनको लगाया जाए, जिससे जो संकट में वो फंसे हुए हैं उस संकट से बाहर निकल सकें। तमाम ऐसे दुकानदार हैं, पटाखा विक्रेता हैं, जिन्होंने कर्ज लेकर दीपावली पर पटाखे की दुकान लगाई थी, लेकिन एक पटाखे ने पल भर में सभी को कंगाल बना दिया, कर्जदार बना दिया। कितने परेशान हैं आप? सर हम तीन पार्टनर थे, तीनों ने मिलकर के सर सभी ने बाहर से पैसा लेकर के तब दुकान लगाई थी सर। 3-4 लाख रुपए का हमारा माल था, जिसमें कि सर हमारी 3 गाड़ियां थी, तीनों गाड़ियां सर हमारी जल चुकी हैं, पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। और प्रशासन का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। प्रशासन अगर यहाँ पर ध्यान देता, अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती तो शायद दुकानों का कुछ नुकसान होता, लेकिन हमारी गाड़ियाँ बच जाती, उसकी वजह से हमारा टोटल मिला के 8-10 लाख रुपये का नुकसान हुआ सर। टोटल मिलाकर सर मेरे करीब 3 लाख नुकसान हो गया। मेरी गाड़ी जल गई, मेरे तीनों मोबाइल जल गए और 2 दुकान थी मेरी वो जल गई और मेरा पैसा चला गया पूरा, दोनों गल्ले। काफ़ी नुकसान पटाखा विक्रेताओं को हुआ था। उम्मीद थी कि दीपावली पर कुछ कमा लेंगे और अपने जीवन को और परिवार को खुशहाल बना लेंगे, लेकिन एक पटाखे ने तबाही की कहानी लिख दी। पटाखे ने जिस तरीके से विनाश लीला दिखाई उससे सभी लोग सदमे में हैं और सरकार की तरफ उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार उनकी मदद जरूर करेगी। कितने नुकसान आप लोगों को? हमारा 2.5 लाख करीब का नुकसान हुआ। एक एक्टिवा थी वो चल गई, 3-4 मोबाइल थे, अपनी जान बचा के अपने बच्चों को लेकर भागे हम। अरे हमारे लोन आता अभी तक बंद नहीं हो रहा है, बाहर से लोन वगैरह लेकर के हमने दुकान लगाई थी। क्या उम्मीद थी आपको? हमारी उम्मीद थी कि कमाएंगे चुकाएंगे, अब तो कब चुकाना तो बहुत दूर की यात्रा, अपनी परेशानी हो रही है। वास्तव में एक पटाखे ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तबाही का ये वो निशान है जो एक पटाखे के बाद दिखाई दे रहा है। सब कुछ फेसलेस हो गया। दीपावली मानो इनके लिए काली साबित हो गई है। अब उम्मीद सरकार से है, सरकार के नुमाइंदों से है कि आखिर वो कितनी मदद कर पाते हैं और सरकार से करवा पाते हैं, जिससे इस संकट से उबर सके। कर्ज लेकर जो काम शुरू किया था, पटाखा लेकर आए थे, उससे उबर पाएँ। अब देखना होगा कि कब तक इन तक सरकार की मदद पहुंचती है। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।